नमस्कार, टीएनबी में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, दी नेशनल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरशद। देश भर में 28 और 29 की दरमियान की रात को शबे बारात का त्यौहार मनाया जाता है। इस रात को सभी मुसलमान भाई अपने घरों में और मस्जिदों में इबादत करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो शबे बारात इबादत का त्यौहार है। इस दिन सभी मुसलमान भाई अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। साथ ही साथ आज के दिन मुसलमान भाई, खासकर कुछ मुसलमान भाई, रोज़े भी रखते हैं। क्या कुछ खास है आज का दिन, आज की रात की क्या अहमियत है, आइए जानते हैं लोगों से। आज का दिन यूँ ख़ास है, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आए थे और उन्होंने जो सब कुछ बताया था उस पर अमल करने का दिन है। और इसके 15 दिन के बाद रमज़ान शुरू हो जाएंगे। पर हमें अपने जितने गुनाह किए हैं उन सब से माफ़ी मांग लेनी चाहिए और नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। ये इसलिए दिन अहम है। आज के दिन इसलिए खास माना गया है कि जो मुसलमान कास्ट के लोग होते हैं उनके लिए ये मगफिरत का रात होता है आज का दिन, है ना। और इससे हमारा इस्लाम का जो पाक महीने आने वाला है वो तकरीबन 15 डेज है और 15 दिन के बाद माह रमज़ान का महीना चालू होगा जिसमें रहमतों की बारिश होती है। अभी तो आज की रात शबे बारात की रात है, इसमें हम मुसलमानों को चाहिए कि रात भर नमाज पढ़े, इबादत करे, अपना जो भी गुनाह किए साल भर के अंदर उसको तौबा करे और अल्लाह से मगफिरत के लिए दुआ करे, सभी मुसलमानों के लिए दुआ करे, जो भी परेशान हाल में उसके निजात के लिए दुआ करे। आज का दिन मुस्लिमों के लिए इसलिए ख़ास होता है क्योंकि मुसलमान जो अपने गुनाहों से तौबा करता है, अल्लाह से माफ़ी मांगता है और जो हमसे गलतियाँ होगी है उनके लिए माफ़ी मांगता है कि हमसे जो गलतियाँ होगी मेरे मालिक उनको माफ़ कर दो। और आज के दिन में जो मतलब सबका हिसाब किताब ये होता है कि भाई जितने भी मुसलमान के नेक्स्ट ईयर जो भी होगा, जितनों का मतलब जाएंगे इस दुनिया से, जो आएंगे उनका हिसाब किताब होता है। और इस रमज़ान से ये कि इसके 15 दिन के बाद रमज़ान इबादत का महीना है और अल्लाह से इबादत करेंगे। मेरे मालिक दुनिया में अमन चैन रखो, हमारे देश में अमन चैन रखो, हमसे कोई गलतियां ना हो, हमें माफ़ करो। आज के दिन सारे इबादत का दिन है, पूरे दिन पूरी रात एक दिन का रोज़ा रखा जाता है और इबादत का दिन है। आज के दिन हम यही मैसेज देंगे कि जितने भी नौजवान हैं, नौजवानी की उम्र में अगर कोई भी तौबा करते हैं तो उनकी तौबा को कबूल की जाती है। और नौजवान को यही मेन मोटिव हम यहाँ से आपके द्वारा प्रोसेस फॉलो कराने की कोशिश करेंगे कि जो भी नौजवान का उम्र होता है उसमें कोई भी इबादत मायने रखती है। अगर जो भी ऐसा नहीं है कि हम नहीं गुनाह करते हैं, सभी लोग गुनाह करते हैं, लेकिन तौबा करना चाहिए भाई। आज के लिए आज का दिन जो है हम लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए ख़ास दिन है। स्पेशल आप यूं समझ लो तो 1 ईयर के अंडर में आज के दिन जो भी आप मगफिरत के लिए दुआ करोगे इंशाअल्लाह अल्लाह के जरिए आपकी दुआ कबूल होगी। जैसा कि आपने देखा और सुना कि आज का दिन कितना अहमियत रखता है मुसलमान भाइयों के लिए, आज की रात यानी कि शबे बारात की रात लोगों के लिए क्या मायने रखती है। आज के दिन मुसलमान भाई इबादत करते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, साथ ही साथ अपने लोगों के लिए दुआएं भी करते हैं। लेकिन इस बार सार्वजनिक कार्यक्रमों पर यानी कि सरकारी आदेश के अनुसार इस बार सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है, जिसके चलते मस्जिदों में या सार्वजनिक जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा रहा शबे बारात को लेकर। इस बार लोग अपने घरों में ही इबादत करेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.thenationalbulletin.in।